तो चलिए आज हम लोग बेसिक प्रैक्टिस सेट में आज सेट 20 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले ऑलरेडी जो है कि आपको मालूम है कि 19 सेट तक अपलोड हो चुका है, इसमें सिर्फ एक सेट बचा हुआ है सेट 21, क्योंकि एसडी पब्लिकेशन वॉल्यूम फर्स्ट में सिर्फ 21 सेट है और ये सेट नेक्स्ट डे कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब आपको कंप्लीट जो एक बीपीएससी प्रैक्टिस सेट की सीरीज टेस्ट जो कि आप किसी अदर प्लेटफॉर्म्स पे परचेज करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उस पर कॉस्ट पड़ता है, लेकिन आपको यहाँ पे पूरा कंप्लीटली फ्री जो कि आपको अवेलेबल मिल रहा है। तो इसको देखिए और सभी जगह शेयर कीजिए ताकि सभी को फ़ायदा हो। और जस्ट इसके बाद 21 सेट जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको मालूम है कि बीपीएससी में हिस्ट्री और करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंस है, और ख़ासकर ये बुक्स जो है एसडी पब्लिकेशन इसका तो बहुत ही ज़्यादा है। इसीलिए यह सेट कंप्लीट होने के बाद तो जितना भी 21 सेट में सिर्फ हिस्ट्री और करंट अफेयर से क्वेश्चन आया है वो सभी हिस्ट्री का और करंट अफेयर का एक सेपरेट वीडियो अपलोड करेंगे, जिसकी जो कि 2 या 3 पार्ट में होगा, ठीक है। तो उसको देखिएगा, वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तब उसके बाद हम लोग इसका वॉल्यूम सेकेंड तब जाके अपलोड करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि सेट 20 में क्या सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। ऑप्शन है गौतम, कपिल, पतंजलि, पाणिनि। जी हाँ, जैसा कि आपको मालूम है अष्टाध्यायी जो कि ये क्या है, प्रथम व्याकरण पुस्तक है और इसके जो लेखक हैं वो हैं पाणिनि, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पाषाण काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी प्रस्तुत किया जॉन लुबाक, रॉबर्ट ब्रूसफुट, सर जॉन मार्शल, जॉन के। देखिए पाषाण काल, पाषाण मतलब क्या होता है, पत्थर, पत्थर का युग, और पत्थर का युग के बारे में जो सर्वप्रथम जानकारी हासिल किया था वो था रॉबर्ट ब्रूस फोर्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी ब्राह्मी, द्रवियन, हड़प्पा, अभी तक सही से पहचाना नहीं जा सकता है। जी हाँ, सिंधु सभ्यता का जो लिपि था वो एक्चुअली अभी तक, ठीक है, इतना टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया लेकिन अभी तक उसको जो है कि पहचाना नहीं जा सकता, उसको पढ़ा नहीं जा सकता, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ऋग्वेदिक काल से प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था, भूमि को, गाय को, स्त्रियों को, जल को। जी हाँ, देखिए ऋग्वेदिक काल में क्या था कि गाय गाय को महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति माना जाता था, ठीक है। जिसके पास जितना गाय होता था वह उतना ही ज़्यादा समाज में उसका वर्चस्व बनता था, बढ़ता था। तो प्राचीन काल में क्या था कि भूमि के लिए कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, ठीक है। भूमि का तो अगर आप सही से देखिएगा तो जब से ब्रिटिश आया है, जब से ब्रिटिशर आया है तब से भूमि का खरीद बिक्री का प्रचलन चालू हुआ, इससे पहले नहीं था। इससे बस कोई किसी को दान दे सकता था और उस पर सिर्फ उसका पैतृक अधिकार ही होता था, जिसके पास जितना संपत्ति है। हाँ, अगर फाइट करके, लड़ाई युद्ध करके दूसरे का भूमि अर्जित कर लिया तो अलग मैटर है, लेकिन इससे पहले जो है कि ब्रिटिशर से पहले जमीन का खरीद बिक्री नहीं होता था, ठीक है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन चोलों ने, चंदेलों ने, चालुक्यों ने, राष्ट्रकूटों ने। जी हाँ, देखिए दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण जो है कि किसने करवाया था? जी हाँ, इसका जो सही आंसर है चालुक्य के सोलंकियों ने करवाया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर तीन विद्वान संतों कपिल, गार्गी, मैत्रेय का घर था? काशी, मिथिला, उज्जैनी, पाटलिपुत्र। जी हाँ, इसमें बताना है कि तीन विद्वान जिसमें कि कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर, इसमें से कौन सा था? तो इसका सही आंसर है वह है मिथिला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन को सूची टू से मिलाना है, उसका राजधानी कहाँ है और प्रांत का जिस तरह से दिया हुआ, उत्तराखंड, दक्षिणापंथ, अवंती, प्राची, और यहाँ पे उसका कैपिटल दिया हुआ, कौन सा सही है और गलत है आपको उसमें मैच करना है। ठीक है, तो जैसा कि मालूम चल रहा है यहाँ पे उत्तराखंड का जो था आपका वह तक्षशिला ही था। ठीक है, दक्षिणापथ का वह स्वर्णागिरी ही था, सही है। अवंती का उज्जैन था, प्राची पूर्व प्रदेश का पाटली था। इसका मतलब क्या हो गया, सभी मैच किया हुआ, इसका मतलब ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सैनिक शासन सर्वप्रथम शुरू किया था? हिंद यूनानी, शक, कुषाण, पहलव। देखिए क्वेश्चन क्या है, भारत में सैनिक शासन सर्वप्रथम किसने शुरू किया था? जी हाँ, इसका जो सही आंसर है उसका नाम है हिंद यूनानी। हिंद यूनानियों ने सर्वप्रथम भारत में सैनिक का प्रचलन शुरू किया था, शासन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, किसने रैयत ए आला की उपाधि धारण किया था? रैयत ए आला, ऑप्शन है खिजर खां, मुबारक शाह, आलम शाह, सिकंदर शाह। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है, रैयत ए आला की उपाधि खिजर खां ने धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी मैच करना है। ठीक है, कॉलम फर्स्ट दिया हुआ है और कॉलम सेकंड दिया हुआ है, जैसे कि दीवाने अर्ज, दीवाने रिसालत, दीवाने इंसा, दीवाने वजारत। अब इसमें क्या होता था तो उससे आपको मैच करना है। तो इसमें चलिए सबसे फर्स्ट देखते हैं क्या है आपका, कि दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज जो था वह सैन्य विभाग से संबंधित था। ठीक है, सेना विभाग से संबंधित था दीवाने अर्ज। उसके बाद जो है कि दीवाने रिसालत, दीवाने रिसालत जैसा कि आप देख रहे हैं एक ऑफ फोर, यानी कि मेरा ऑप्शन डी सही है। तो देखिए दीवाने रिसालत जो था वह धार्मिक मुद्दों से संबंधित था। ठीक है, दीवाने इंसा, दीवाने इंसा जो था वह आपका सरकारी पत्र व्यवहार से था। दीवाने वजारत वित्तीय मामलात से संबंधित है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ का कृति स्तंभ निर्माण हुआ था शासन काल में? ठीक है, ऑप्शन है राणा कुंभा, राणा हमीर के, राणा रतन सिंह, राणा संग्राम सिंह। तो इसमें आपको बताना है कि यहाँ पे कृति स्तंभ का जो निर्माण हुआ था वह किसके शासनकाल में हुआ था? जी हाँ, इसका जो सही आंसर है राणा कुंभा के शासनकाल में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर ने 12 अध्यादेश को लागू किया था, इसमें सर्वप्रथम मराठाओं को मुगल सेना में शामिल किया गया, जिनको कहा जाता था
पायक, सिहलदार, बारगीर, फौज। तो इसका जो सही आंसर है, जो मराठा सैनिक को बारगीर कहा जाता था। मराठा सैनिक को क्या कहा जाता था? बारगीर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की? पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था कौन सा शासक प्रारंभ किया था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, एमबीटी, शेरशाह, हुमायूं। जी हाँ, ये बहुत ही, अगर ये समय पे नहीं मरता तो शायद मुगल शासक फिर से शासन नहीं कर पाता। तो इसका सही आंसर है शेरशाह सूरी, सूरी वंश का डायनेस्टी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी मिलाना है, जैसे कि स्मारक है और इसका निर्माता कौन है? नहीं। तो इसमें जैसे सबसे फर्स्ट है अलाई दरवाजा। तो अलाई दरवाजा का निर्माण किसने किया था? ठीक है, तो ये आपको मिलाना है। जैसे कि अलाई दरवाजा, तो क्लियर मालूम चल रहा है कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। बुलंद दरवाजा अकबर शासन के काल में बनाया था, मोती मस्जिद आगरा शाहजहां बनाया था। ठीक है, और इसके बाद मोती मस्जिद दिल्ली में जो था वह औरंगजेब बनाया था। इसका मतलब ये भी सभी आपस में मैच किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन है आधुनिक भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था, मतलब कोची। फिर से रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन कह रहा है इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्हें फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। नेक्स्ट ऑप्शन है आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। लास्ट ऑप्शन है आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। तो ये सभी ऑप्शन थे और इसमें से जो आपको बताना है कौन सा एक सही है। जी हाँ, ये जो सही है आपका, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का स्थापना किया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1802 में बसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? बसिन की संधि, ऑप्शन है औरंगजेब, बाजीराव अंग्रेज तथा बाजीराव सेकेंड, फ्रांसीसी तथा बाजीराव सेकेंड फर्स्ट, डच तथा बाजीराव सेकेंड। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका बसिन की संधि। कब हुआ था? 1802 में, और ये किसके बीच में हुआ था? यह हुआ था अंग्रेज तथा बाजीराव सेकेंड के बीच में। इसी से सहायक संधि मराठा जो है कि एक्सेप्ट किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु राम सिंह, गुरु गोविंद सिंह। पंजाब में हुआ था कूका आंदोलन। तो इसका जो संगठन किया था कौन किया था? गुरु राम सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियां का प्रचारक था? उदारवादी, ऑप्शन है न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया, फ्री प्रेस जनरल। तो इसका जो सही आंसर है वो है लीडर, क्योंकि इसी के माध्यम से उदारवादियां अपना नीतियों का प्रचारक करते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1943 में
आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। जापान में, तत्कालीन बर्मा में, सिंगापुर में, तत्कालीन मलाया में। जी हाँ, आज़ाद हिंद फौज जो है कि 1943 में कब अस्तित्व में आया था, कहाँ पे? सिंगापुर में आया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, विनोबा भावे, गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, गीता रहस्य। जी हाँ, इसका सही आंसर है गीता रहस्य, जो कौन लिखा था? बीजे तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विशिष्ट अनुदेश प्रपत्र, इसका मतलब ये हो गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया? ऑप्शन है, मूल अधिकार, राज्य की नीति निदेशक तत्व, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, भारत सरकार के कार्य का संचरण, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर है, भारत सरकार अधिनियम 1935 जो अपनाया गया था वो किसमें था? राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? ऑप्शन है, महात्मा गांधी, सरदार पटेल। नेक्स्ट ऑप्शन है, आचार्य जेबी कृपलानी और राजगोपाल चारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं रफ़ी अहमद किदवई। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस का आधिकारिक वार्ताकार जो थे वह कौन थे? जी हाँ, ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? ऑप्शन है, यह 1930 में आयोजित हुई थी। प्रथम, देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में पूछा जा रहा है, इसमें साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, इसका आयोजन लंदन में किया गया था, इसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने प्रतिभाग किया था, जो कि आपको पता है कि इसका सही आंसर क्या होगा, वो है कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल इसमें भाग नहीं लिया था, वो सेकंड में लिया था, महात्मा गांधी इसमें पार्टिसिपेट किए थे, जो कि वो भी एक असफल मीटिंग हो गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? ऑप्शन है, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, शंकरन नायर, जमनालाल बजाज। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है शंकरन नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्र ध्वज को किसने फहराया था? मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, 31 दिसंबर 1929 जो पूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन का आह्वान किया था और उसमें जो राष्ट्रध्वज का धारण किया था वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था सरकार को लगान देना बंद करना, जमींदारों के अधिकार की रक्षा करना, सत्याग्रह की समाप्ति, लगान का नगद में परिवर्तन। जी हाँ, देखिए अवध के एका आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? लगान का जो था वो नगद में जब परिवर्तन हो गया, यही था उसका मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1856 में धार्मिक कानून पारित हुआ, धार्मिक असुविधा कानून, सती निषेध रेगुलेशन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह,
राज हड़पने की सिद्धांत। तो इसमें कूट का दिया हो गया है, कौन सा सही है ये बताना है आपको कि 1856 में कौन कौन सा कानून पारित हुआ था। जी हाँ, सबसे पहला तो ये हुआ था धार्मिक असुविधा कानून हुआ था, उसके बाद हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम जी वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी लंदन में, पेरिस में, बर्लिन में, सैन फ्रांसिस्को में। जी हाँ, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग थे। जी हाँ, इसी समय बिहार को अलग प्रांत का दर्जा दिया गया था और उस समय जो था कौन था, हार्डिंग सेकेंड था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकाफ के बीच अमृतसर की संधि कब हुआ था, ऑप्शन है 1709, 1809, 1909, सभी गलत हैं। जी हाँ, ये तो क्लियर है, मेंशन किया गया है रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकाफ के बीच अमृतसर का जो संधि हुआ था वह 1809 में हुआ था। निम्न में से कौन फ्रांसीसी क्लब जेकोबिन का सदस्य बना, हैदर अली, कर्नवालिस, टीपू, वेलेसली। जी हाँ, ये भी 100 दिन जो है ना, कुछ इस टाइप का स्टेटमेंट, 100 दिन से जीने से अच्छा है कि एक दिन जियो शेर की तरह जियो, हुआ है टीपू सुल्तान। ठीक है, जो कि जेकोबिन क्लब का सदस्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना के प्रथम अधिवेशन बिहार में कहाँ हुआ था, सॉरी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन बिहार में कहाँ हुआ था, ऑप्शन है पटना, बांकीपुर, हाजीपुर, दानापुर। जी हाँ, कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन बिहार में हुआ था वो हुआ था कहाँ पे, बांकीपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिपुरा जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नलिखित में से किस राज्य में है, ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। जी हाँ, इसका जो हरिपुरा जो है 1938 में कौन था अध्यक्ष, सोचा महात्मा गांधी, सॉरी सुभाष चंद्र बोस बने थे, और ये जो है किस स्टेट में है, वह है गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जनगण मन सर्वप्रथम 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था, राष्ट्र जागृति, तत्वबोधनी, भारत भाग्य विधाता, आनंद मठ। तो इसमें क्या सही है, जी हाँ, इसमें जो है कि भारत भाग्य विधाता के नाम से ये जो जनगण मन सर्वप्रथम 1912 में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का संग्रह है उपन्यास, दूसरा ऑप्शन है नाटकों, कविताओं, छोटी कहानियां। जी हाँ, गीतांजलि का जो संग्रह किया गया है वह है आपका कविता में किया गया है। अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी, जतीन दास, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, कल्पना दत्त। जी हाँ, इसमें देखिए जतीन दास तो स्ट्राइक हड़ताल पे मर गए थे, चंद्रशेखर खुद आत्महत्या कर ली थी, लेकिन राजगुरु को जो है कि इनको फांसी दिया गया था। ठीक है, राजगुरु को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना? ऑप्शन है परीक्षा गुरु, आनंदमठ, रंगभूमि, पद्म राग। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है आनंद मठ। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे पहले सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? ऑप्शन है पन्नाकड़ा वायरल आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन, नोवाखली आंदोलन, तेभागा आंदोलन। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है तेलंगाना आंदोलन। अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? अलीपुर बम मामला, कोल्हापुर बम मामला, लाहौर षड्यंत्र मामला, काकोड़ी मामला। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है अलीपुर बम मामले में अरविंद घोष को अरेस्ट किया गया था। 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया था अंडमान निकोबार, रंगून, सिंगापुर, मांडले। जी हाँ, इसको जो कहाँ भेजा गया था? मांडले भेजा गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विनिमय किसके दौरान होता है? तनुपट, युग्मपट, स्थूलपट, द्विपट। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है, विनिमय जो होता है वो स्थूल पट में के दौरान होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? गाय, चमगादड़, सांप, चूहा। स्तनपायी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है नहीं है, तो इसका सही आंसर हो गया सार्क। वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है अवट्टु ग्रंथि द्वारा, पीयूष ग्रंथि द्वारा, जनन ग्रंथि द्वारा, हड्डियों द्वारा। जी हाँ, देखिए वृद्धिकर हार्मोन जो बनाया जाता है पीयूष ग्रंथि द्वारा, इसका मतलब इसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड्स के द्वारा बनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के एबी वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसके रक्त का वर्ग हो? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एबी है जिसको कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ उसी व्यक्ति को दे सकता है जिसका ब्लड ग्रुप एबी हो। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं रेयरेस्ट डोनर। हमारे शरीर के कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? 565, 656, 665, 556। जी हाँ, इसका सही आंसर है 656। पित्त का स्रोत क्या है? पित्ताशय, यकृत, पित्तवाहिनी, अग्नाशय। यहाँ पित्त के बारे में पूछा जा रहा है, तो पित्त का जो स्रोत होता है वो होता है यकृत। एफला विष किससे बनते हैं? विषाणु, शैवाल, कवक, जीवाणु। जी हाँ, यहाँ पे एफला विष जो बनता है वो बनता है किससे? कवक से। सेब क्या है? मिश्रित समारा है, गुद्देदार पोम है, गुद्देदार पीपो है, गुद्देदार गुठली ड्रूप है। देखिए, ये सब एक्चुअली है क्या ना, समारा, पीपो, पोम, ड्रूप, एम्पी प्लास्टा, ये सब जो क्या है सेब का टाइप, ये सॉरी फल का टाइप होता है। तो अब इसमें जो है आपको बताना है कि सेब का क्या है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है गुद्देदार पोम, पोम टाइप का ये फल है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ड्रूप, बेरी, पीपो, पोम, एम्पी ब्लास्टर, दीज आर द टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुंकेश्वर अपने प्राग कोषों से और पत्तियों से भी किसमें परस्पर मिले होते हैं?
ऑप्शन है लिलिएशी, कंपोजिटी, यूफाबियर्सी, लेग्यूम मिनोर्सी। जी हाँ, इसका जो सही आंसर होता है वो है कंपोजिटी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी कोशिकाओं केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होता है? लाइसोसोम, प्लास्टिड, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया। जी हाँ, इसका सही आंसर वो है प्लास्टिड, वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ और जान लीजिए थोड़ा सा, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको हम लोग बोलते हैं देखिए प्लास्टिड, ये कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस ऑफ द सेल रहता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। लाइसोसोम को ही हम लोग सुसाइडल बैग बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है गुरुत्व द्वारा, पवनों द्वारा, बादलों द्वारा, पृथ्वी के घूर्णन द्वारा। जी हाँ, यहाँ पे जो सही आंसर है, वायुमंडलीय हवा जो पृथ्वी पर रखा जाता है वो होता है गुरुत्व द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में विकिरण एक्स किरणें, वाई किरणें, मीन्स गामा किरणें आदि के कारण हुई क्षति को किसमें मापा जाता है? रोंटजेन, क्यूरी, रेंट, रैम। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है रैम, रैम में इसको मेजरमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चाक्षुष सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धन क्यों देती है? तो इसका ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉन्स का वेग प्रकाश के वेग से कम होता है, इलेक्ट्रॉन्स की तरंग दैर्ध्य चाक्षुष प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से कम होती है, इलेक्ट्रॉन में प्रकाश कणों से अधिक ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में अधिक शक्तिशाली लेंसों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कौन सा सही आंसर है? जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है इलेक्ट्रॉन्स की तरंग दैर्ध्य चाक्षुष प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से कम होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन प्रभाव किसने दिया? ग्लैलियो, सीवी रमन, मैडम क्यूरी, आरसी रमन। जी हाँ, रमन प्रभाव जो है वह सीवी रमन ने दिया था। ठीक है, विद्युत बल का फिलामेंट किससे बना होता है? तांबा, निक्रोम, सीसा, टंगस्टन। जी हाँ, यहाँ पर विद्युत का जो बल्ब का फिलामेंट होता है वह टंगस्टन से बना होता है। निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है? रबर, शुद्ध जल, लवण जल, बेंजीन। जी हाँ, इसमें जो विद्युत का चालक है वह है आपका लवण जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक होता है? भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, ध्रुव रेखा पर। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है ध्रुव, मीन्स पोल। पोल पर जो है ये बहुत ही ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स फील होता है, एग्जर्ट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु चाल परिवर्तन करती है तो उस वस्तु की चाल के कहा जाता है एक समान, आवर्ती, विवृताकार और समान। जी हाँ, इसका देखिए क्या कुछ क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये कर रहा है किसी सरल रेखा में अनुदिश गति से चलने वाली चाल परिवर्तित कर देगा तो उसका वस्तु का जो चाल क्या कहलाएगा वो असमान। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंडे देशों में शीतकालीन में झीलें जम जाती हैं नीचे का पानी छोड़कर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर। देखिए सी और डी दोनों का सेम ऑप्शन है, तो हालांकि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जम जाता है, लेकिन पानी के सरफेस के अंदर जो होता है नहीं जलता है, जमता है, इसलिए उस जगह पे मछली सब जिंदा रहता है। एशिया की विशालतम प्रवर्ती दूरबीन कहाँ पर है? ऑप्शन है कोड कनाइल, ऊटी, कवालूर, नैनीताल। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है नैनीताल में है। ऑटोमोबाइल्स निर्यात में हानिकारक यौगिक कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, धुआं, उपयुक्त में से सभी। जी हाँ, देखिए ऑटोमोबाइल्स में जो है कि जितना भी ये गैस रिलीज होता है वो सभी जो है हानिकारक है। लौह अयस्क से, लौह के विन्यास से कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित होती है? ऑप्शन है उपचयन, अपचयन, प्रभाजी अवनसन, विद्युत अपघटन। जी हाँ, इसका सही आंसर है अपचयन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध दूध को गर्म किया जाता है 60 डिग्री से 10 मिनट तक, 63 डिग्री से 20 मिनट तक, 63 डिग्री से 30 मिनट तक, 72 से 10 मिनट तक। तो इसका जो सही आंसर है 63 डिग्री से और 30 मिनट तक। जल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। चर्म रोग के आधार पर उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है? रेडियो सीसा, रेडियो कोबाल्ट, रेडियो फास्फोरस, रेडियो आयोडीन। जी हाँ, देखिए चर्म रोग में जो उपयोग किया जाता है रेडियो फास्फोरस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक अवयव है? नायलॉन, प्लास्टिक, ऊन, पॉलिथीन बैग। यहाँ पे कार्बनिक अवयव पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? वो है ऊन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम को जलाने पर क्या बनता है? बेकिंग सोडा, कैल्शियम कार्बोनेट, भस्म, सिरका। देखिए मैग्नीशियम मतलब मैग्नीशियम क्या हो गया आपका, Mg हो गया, इसको जलाइएगा मतलब O से जलाइएगा, O2 से, तो यहाँ बन जाएगा MgO और ये भस्म हो गया, ठीक है, जल गया, तो इसका आंसर हो गया सी। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अवधातु है? अवधातु बारे पूछा जा रहा है, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, फ्लोरिन्स, क्लोरिन्स। जी हाँ, तरल अवस्था में सिर्फ एक ही अवधातु पाया जाता है, वो है ब्रोमीन, Br इसका सिंबल हुआ, और मेटल में पूछा जा रहा है तो वो होता है मरकरी, Hg। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या पर, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या पर, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पर, न्यूक्लियस में न्यूक्लियनों की संख्या पर। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है रासायनिक व्यवहार के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है? न्यूक्लियस के प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, पायस एक कोलाइड्स है, द्रव में गैस, द्रव में द्रव, गैस में द्रव, ठोस में गैस। तो इसका जो सही आंसर है वो है गैस में द्रव का।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अस्थाई संस्था कौन सी है? परिवार, राजनीतिक दल, रेड क्रॉस, UNO। देखिए अस्थाई संस्था यानी कि परमानेंट पूछा जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? परिवार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायपालिकाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती है? सॉरी, नगर पालिका में 1/5, 1/3, 1/7, 1/4। जी हाँ, इसका सही आंसर रहता है वो है 1/3 क्षेत्र सीट जो होता है वो फीमेल्स के लिए रिजर्व होता है। किस अनुच्छेद आर्टिकल्स के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई थी? यहाँ पे थी है नहीं थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपका, फर्स्ट ऑप्शन है 364, 368, 370, 377। यह इसका सही आंसर है 370, जो कि अब नहीं रहा। निम्नलिखित में कौन सा अध्यक्षात्मक सरकार का एक गुण है? ऑप्शन है, यह लोगों की स्वतंत्रता को सुरक्षित करती है, यह लोगों के शीघ्र निष्पादन को सुनिश्चित करती है, कार्यपालिका की नियत कार्यविधि अत्यंत स्थिरता की भावना प्रदान करती है, भारत में यह प्रणाली नहीं है। तो अब इसके बारे में देखिएगा कि तो भारत में है भी नहीं, तो सही है ये भी, भारत में नहीं है ये। और ये जो है कि जनता का स्वतंत्रता का भी सुरक्षित करता है, इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? ई हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लोकतांत्रिक संस्थाओं में के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? कृषि अर्थव्यवस्था, दलीय व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। जी हाँ, देखिए लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए जब तक उसमें व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान नहीं होगा, तब तक क्या जाएगा वोट देने के लिए? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मूल अधिकार का रक्षण संरक्षक कौन होता है? विधायिका, कार्यपालिका, राजनीतिक दल, न्यायपालिका। जी हाँ, मूल अधिकार का जो संरक्षक होता है वो होता है न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में कुल 10 सीटें राज्यसभा में निर्वाचित क्षेत्र है? 11, 19, 10, 1। राज्यसभा के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र कितना है? इसका सही आंसर है 19। बिहार में 16 है, लोकसभा में 40। संसदीय शब्दावली में समापन से आशय है संसद के सत्र का अंत, किसी प्रस्ताव की चर्चा पर रोक, दिनादिन कार्यवाही का अंत, सत्र का प्रारंभ, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है संसद के सत्र का अंत। समापन का मतलब क्या हो गया? संसद के सत्र का अंत। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 6, 7, 4, 5। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है 7। लेकिन अब जो है कि संपत्ति का अधिकार, उसको हटा के अनुच्छेद 301 में रखा गया, जो कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों के बाद की जाती है? देखिए क्वेश्चन क्या टर्न कर रहा है, वित्त आयोग का सिंपल पूछा पूछ सकता था कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, तो 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष। इसका सही आंसर है 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग, जो इसमें कि अनुच्छेद 280 में इसका प्रावधान किया गया है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है? नई दिल्ली, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ। जी हाँ, इसका सही आंसर है वो है कानपुर में है। अब यहाँ पे फिर से मैच करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नदी का नाम दिया गया है, परियोजना का नाम दिया है, शिव समुद्र, नागार्जुन सागर, जैका और ये टिहरी। अब ये किस नदी के आसपास है? कावेरी, भागीरथी, गोदावरी और कृष्णा।
तो इसमें जो है कि आपको मैच करना है, जैसे नदी घाटी परियोजना है और उसके नदी से संबंधित है। तो इसका जो देखिए शिव समुद्रम कहाँ पे है, कावेरी नदी में, इसका मतलब वन का बी सब में है, सब सही है। और नागार्जुन सागर परियोजना नाग कहाँ पे है, कृष्णा नदी पे है, यानी कि टू का द। तो ये दोनों खत्म, ठीक है। अब बच गया जायकावाड़ी और गोदावरी। जायकावाड़ी जो है कृष्णा ये गोदावरी में है, और टिहरी जो है भागते भागते टिहरी, ठीक है। तो 92 का आंसर हो जाएगा आपका ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोडो निवासी है गारो पहाड़ी के, संथाल परगना के, अमेजन बेसिन के, मध्य प्रदेश के। तो बोडो निवासी जो है कहाँ के हैं, गारो पहाड़ी के हैं। जापानी सहयोग से स्थापित किया गया नवीनतम और सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है? ऑप्शन है विशाखापट्टनम में शिपयार्ड, कोचिन शिपयार्ड, कलकत्ता में गार्डन रिच वर्कशॉप, मुंबई में मचगांव डॉक। जी हाँ, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि जापानी सहयोग से, ठीक है, किया गया नवीनतम सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है? तो ये हो गया आपका कोचीन शिपयार्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम निर्यातक देश के संगठन का मुख्यालय स्थित है वियना में, रियाद में, कुवैत सिटी में, अबू धाबी में। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वह है वियना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का वज्रपात स्थल है? शिलोंग, उचकमंड, गैंगटॉक, दार्जिलिंग। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ वज्रपात स्थल है? शिलोंग, उचकमंड, गैंगटॉक, दार्जिलिंग। जी हाँ, इसका सही आंसर है वो है दार्जिलिंग। निम्न में से कौन सा एक भूदृश्य हिमनद से निर्मित नहीं होता है? हिमवद, विसर, यू आकार की घाटी, फ्योर्ड। जी हाँ, ये होगा आंसर फ्योर्ड, ये सॉरी विसर्ग। विसर्ग बनता है किस तरह से, जब नदी इस आकार में बना हुआ रहेगा, इसी से बाद में यही जो टूट के अलग होता है, इसी से गोखुर झील का निर्माण होता है। निम्नलिखित नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल है? निचले मार्ग में निर्वाध वक्र, ऊपरी मार्ग में निर्वाध वक्र, स्रोत के मुहाने तक निर्वाध वक्र, मध्य मार्ग में निर्वाध वक्र, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल जो होता है वह ऊपरी मार्ग में निर्वाध वक्र होता है। नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को कहते हैं? प्लैनीमीटर, हाइड्रोग्राफ, पेंटोग्राफ, ऑपिसोमीटर। जी हाँ, इसको बोलते हैं प्लैनिंग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुल्यकारी उपग्रह पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। तुल्यकारी, जी हाँ, ये जो होता है पश्चिम से पूर्व की ओर मूव करता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जनजाति आबादी का संकेंद्र सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश, असम, बिहार, उड़ीसा। यहाँ अनुसूचित जनजाति का पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर है वो है मध्य प्रदेश। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया है? जर्मनी, सोवियत संघ, यूके, जापान।
जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है यूके। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? पंचमढ़ी, नीलगिरी, महेंद्रगिरी, काड़ामा। ध्यान दीजिए यहाँ पे सतपुड़ा की रानी, तो सतपुड़ा की रानी किसे कहा गया है? पंचमढ़ी को। निम्न में से किस नदी के स्रोत को भारत से बाहर है? ब्रह्मपुत्र, प्यास, झेलम, रावी। जी हाँ, इसका सही आंसर है वो है ब्रह्मपुत्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? बाघ और हाथी, जंगली भैंसा, पक्षी, तेंदुआ और चीतल। जी हाँ, यहाँ पे शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क जो है मध्य प्रदेश में, सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा, और ये फेमस है किसके लिए? तेंदुआ और चीतल के लिए। बिहार में लोकसभा सदस्य की कुल संख्या है 40, 35, 30, 45। लोकसभा सदस्य की संख्या, जी हाँ, इसका सही आंसर है वो है 40। बिहार के किस जिले में बेरिलियम पाया जाता है? सासाराम, बांका, जमुई, गया। बेरिलियम जो बिहार में पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? गया में। बिहार की पहली चीनी मिल कब और कहाँ स्थापित की गई थी? 1905 लोहर, 1904 मरौरा, 1906 पश्चिमी चंपारण, 1907 बेगूसराय। जी हाँ, 1904 में मरौरा में खोला गया था। बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था? द बिहार गजेट, द बिहार हेराल्ड, बंगाल गजेट, पटना गजेट। जी हाँ, बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र जो था वो था बिहार हेराल्ड। मौर्यतल काल में युद्ध पोत एवं व्यापारिक पोत का अध्यक्ष कौन होता है? कुटिक, नवाध्यक्ष, जुम्बिक, कुलीन। यहाँ देखिए, युद्ध पोत एवं व्यापारिक पोत का अध्यक्ष जो था वो था नवाध्यक्ष कहलाता है वो। अजातशत्रु ने अपने किस मंत्री के सहयोग से वज्जी संघ में फूट डाल दी थी? वश्यकार, भद्रबाहु, मुंड, राक्षस। जी हाँ, अजातशत्रु के जो मंत्री था वो था वश्यकार। बिंबिसार को पुराण में कहा जाता था शेणिक, कुनिक, एकराटा, भल्लक। जी हाँ, बिंबिसार को श्रेणिक भी कहा जाता है, ठीक है, श्रेणिक किसमें? पुराण में। अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? मिनी बजट, माइक्रो बजट, वोट ऑन अकाउंट, मौखिक बजट। जी हाँ, देखिए अंतिम बजट के बारे में पूछा जा रहा है कि उसको क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है वह मिनी बजट भी कहा जाता है, वोट एंड अकाउंट भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वह क्या होगा? आपका ई होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। FAO किसका संक्षिप्त रूप है? फाइबर एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फैक्ट्री एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन, फ्री आर्बिट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन है FAO, FAO का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है FAO? जी हाँ, इसका सही आंसर है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि वस्तुओं के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणय आदि से संबंधित आयोग है? योजना आयोग, योजना आयोग, कृषि लागत और मूल्य आयोग,
कृषि मूल्य आयोग, राष्ट्रीय विपणन आयोग। जी हाँ, इसका जो सही आंसर हुआ है कृषि लागत और मूल्य आयोग। ग्रीन बैंकिंग का अर्थ है, ठीक है, अब ऑप्शन सुनिए, बैंकों द्वारा वनों का विकास, बैंकों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं को वित्त दिया जाना, बैंकों द्वारा सिंचाई परियोजना को वित्त दिया जाना, तकनीक के माध्यम से पर्यावरण को समृद्ध बनाना। जी हाँ, जो इसका सही आंसर है ग्रीन बैंकिंग जो बताता है तकनीकी का प्रयोग करके, ठीक है, पर्यावरण को समृद्ध करना। पशुपालन के साथ खेती को क्या कहा जाता है? मिश्रित खेती, मिश्रित कृषि, डेयरी फार्मिंग, ट्रक कृषि। तो ये पशुपालन के साथ साथ खेती भी होता है तो उसको मिश्रित खेती बोला जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय आय में शामिल है भूकंप पीड़ितों की वित्तीय सहायता, किसी बच्चे की जेब खर्च, लॉटरी का कोई पुरस्कार जीतना, नए मकान का निर्माण। तो नेशनल इनकम में जो इन्वॉल्व होता है ये सब नहीं होता है, ये नए मकान का निर्माण ये सही है। प्रतिभा पलायन एक रोग है, शैक्षणिक संस्थान शैक्षणिक तकनीक संस्थाओं से वृद्ध छात्रों को कहते हैं, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान पर व्यर्थ का खर्चा है, कुशल कर्मियों के उत्प्रकाशन को कहते हैं। यह क्वेश्चन क्या है? प्रतिभा पलायन। तो यहाँ पे क्लियर नाम से थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा, तो कुशल कर्मियों के उत्प्रकाशन को कहते हैं। अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? मुद्रा अर्थशास्त्र, कल्याणकारी अर्थशास्त्र, अर्थनीति में, विकास अर्थशास्त्र में। जी हाँ, इसका सही आंसर है वह कल्याणकारी अर्थशास्त्र में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? आर के सेट्ठी, अर्णव गोस्वामी, अभिषेक कुमार, राजकुमार सिंह। जी हाँ, इसका सही आंसर है न्यूज ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन का जो अध्यक्ष चुना गया वो है अर्णव गोस्वामी का। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ब्रिटेन, चीन, भारत, हांगकांग। या जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 में जो होगा वह भारत में आयोजित किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में छोटे तथा मध्यम उद्योगों के डिजिटलीकरण के लिए किस कंपनी ने $1 अरब निवेश करने की घोषणा की है? माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, रिलायंस, अमेजन। जी हाँ, इसका सही आंसर है वो है अमेजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 सार्वजनिक बैंकों के क्षेत्रों के बैंक के प्रस्तावित एकीकरण के बाद भारत में सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों की कुल संख्या रह जाएगी 15, 18, 12, 20। जी हाँ, इसका सही आंसर है वो है 12। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किस वर्ष के लिए नया मैच बेस्ड वर्ल्ड रैंकिंग सिस्टम लॉन्च किया है? 2021, 2019, 2022, 2020। यह इसका सही आंसर है 2020। किस बॉलीवुड अभिनेता को राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, आमिर खान, रोहित शेट्टी। जी हाँ, इसका सही आंसर है वो है सुनील शेट्टी को।
थल सेना भवन का निर्माण किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया जाएगा? नई दिल्ली, पश्चिम बंगाल, गोवा, राजस्थान। जी हाँ, इसका नई थल सेना का भवन जो है कहाँ बनेगा? नई दिल्ली में बनेगा। हाल ही में किस देश ने परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल K4 का परीक्षण किया है? नेपाल, स्पेन, इजराइल, भारत। यह इसका सही आंसर वो है भारत। हाल ही में किस देश ने मार्च 2020 के लिए के महीने में सॉरी कोई फिर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हाल ही में किस देश ने मार्च 2020 के महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है? अमेरिका, भारत, फ्रांस, चीन। जी हाँ, इसका सही आंसर है वो है चीन। किस राज्य सरकार ने राज्य के लिए 3 राजधानियां के निर्माण को मंजूरी दी है? तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, झारखंड। जी हाँ, क्लियर है आंध्र प्रदेश। भारत के पहले समुद्री संग्रहालय की स्थापना किस स्थान पर की जाएगी? रीवा, अयोध्या, लोथल, कश्मीर। जी हाँ, इसका जो सही आंसर हुआ है लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है EASC 3.0 फल किस क्षेत्र से संबंधित है? एडा, RBI, डिजिटल पेमेंट, इज ऑफ बैंकिंग। जी हाँ, इसका सही आंसर है इज ऑफ बैंकिंग। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 81वां, 80वां, 82वां, 75वां। जी हाँ, इसका सही आंसर है 82, 82वां। हाल ही में QS वर्ल्ड रैंकिंग में भारत के किस इंजीनियर को कॉलेज ने सर्वोच्च रैंक प्राप्त की है? IIT मुंबई, IIT रांची, IIT लखनऊ, IIT दिल्ली। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है IIT मुंबई। चापचरकूट किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का लोकप्रिय त्यौहार है? चापचरकूट, गोवा, दिल्ली, मिजोरम, लद्दाख। यहाँ पे चापचरकूट कहाँ का है? वो है मिजोरम का। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अध्ययन के अनुसार एंडोफाइटिक एक्टिनोबैक्टीरिया किस पौधे में रासायनिक इनपुट को कम कर सकता है? ऑप्शन है चाय, कॉफी, कहवा, माल्टा। जी हाँ, इसका सही आंसर है वह है चाय। विपाशा चक्रवर्ती को हाल ही में किस कंपनी की भारतीय शाखा के संचार निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक। जी हाँ, इसका सही आंसर है फेसबुक। हाल ही में सुर्खियों में रहा संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण किस क्षेत्र में अनुसंधान से जुड़ा है? ऑप्शन है संक्रमण, डिसऑर्डर, अनुवांशिकी, हायरार्की। यहाँ पे संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण, ये सही है अनुवांशिकी से। विदेशी अंशदान प्राप्त करने के लिए किसी संगठन के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले के संदर्भ में FCRA का मतलब क्या है? ऑप्शन है विदेशी अंशदान अधिनियम, विदेशी अंगदान अधिनियम, विदेशी लाभदान अधिनियम, विदेशी आयकर अधिनियम।
जी हाँ, इसका सही आंसर है विदेशी अंशदान अधिनियम। हाल ही में किस राज्य ने आई एम ऑल्सो डिजिटल नामक एक डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया है? पंजाब, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। आई एम ऑल्सो डिजिटल वह केरल सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में पुनः निर्मित पशु परिवहन स्मारक का उद्घाटन भारतीय सेना ने किस शहर में किया? ऑप्शन है बंगलुरु, मंगलुरु, नई दिल्ली, मुंबई। जी हाँ, इसका सही आंसर है बंगलुरु। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एडवेंचर ऑफ अ डेयरडेविल डेमोक्रेसी किस पूर्व मुख्यमंत्री से संबंधित है? ज्योति बसु, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, बीजू पटनायक। जी हाँ, एडवेंचर्स ऑफ अ डेयरडेविल डेमोक्रेटिक जो है वह बीजू पटनायक से संबंधित है। हाल ही में सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के लिए एक जांच पुस्तिका तैयार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया गया? सुमित ठाकुर, ज्योति निवास, सुजाता नैयर, अमित सिन्हा। जी हाँ, इसका सही आंसर है ज्योति श्रीनिवास। अवानी चतुर्वेदी, भावना कांठ, मोना सिंह जित्रवाल जिन्हें हाल ही में नारी शक्ति पुरस्कार मिला है किस व्यवसाय से जुड़ी है? फायरफ्लाइज बिजनेस में मेजर जनरल लेफ्टिनेंट कमांडेंट। जी हाँ, इसे बिहार से रिलेटेड है, ये है फाइटर पायलट। पंजाब सरकार ने किस बीमारी के इलाज के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कोवा पंजाब मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन है वायरल फीवर, हैजा, कोरोना वायरस, वर्ड फ्लू। जी हाँ, इसका सही आंसर है कोरोना वायरस। लेफ्टिनेंट केजेएस ढिल्लो ने को हाल ही में किस संगठन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? सीबीआई, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, आरएडब्ल्यू, सीआरपीएफ। जी हाँ, इसका सही आंसर है डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी। हाल ही में सुर्खियों में रही शादी भाग्य योजना किस राज्य से संबंधित है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक। जी हाँ, इसका सही आंसर है कर्नाटक। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में पटना को किस कौन सा स्थान मिला है? 100वां, 318वां, 276वां। जी हाँ, इसका सही आंसर है वह है 318वां। उससे अच्छा तो इसको लिस्ट में एड ही नहीं करता। श्रेयसी सिंह को किस लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? बिहार स्वच्छता, बिहार पर्यटक, बिहार पोषण अभियान, नशा मुक्ति अभियान। श्रेयसी सिंह जी हाँ, इसका जो सही आंसर है बिहार पोषण अभियान। नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता में बिहार महिला टीम को कौन सा स्थान मिला है? प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, तीसरा। जी हाँ, यहाँ पे नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता में बिहार का जो महिला को स्थान मिला है वो है तीसरा। तो दोस्तों, ये कंप्लीट हो गया सेट 20। अब जो है कि लास्ट सेट बचा हुआ है 21, वो हम लोग नेक्स्ट डे इसको अपलोड करेंगे। धन्यवाद।